गुड आफ्टरनून एवरीवन, माय सेल्फ शिवानी सेंगर, नर्सिंग ट्यूटर ऑफ इंडेक्स नर्सिंग कॉलेज, एंड टुडे माय टॉपिक इज इमोशंस। इमेजिन लाइफ विदाउट इमोशन लाइक लव, जॉय, फियर, सैडनेस, सरप्राइज एंड एंगर। What are emotions? इमोशन क्या होते हैं? दे आर इंटेंस फीलिंग्स दैट आर डायरेक्टेड एट समवन और समथिंग। नेक्स्ट इज इमोशंस आर प्राइवेट एक्सपीरियंस। Next, we infer observable behavior associated with emotion. जी बच्चों, आप नोट कर रहे हो ये? Okay. Next, components of emotions. Emotion के कितने components होते हैं? 4 component. फर्स्ट इज फीलिंग्स, सेकेंड बॉडली अराउजल, थर्ड सेंस ऑफ पर्पस, फोर्थ सोशल एक्सप्रेसिव। ये इमोशन के कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट है फीलिंग्स कंपोनेंट। इसके अंदर अपन देखेंगे इमोशन आर सब्जेक्टिव फीलिंग्स। ये क्या सब्जेक्टिव फीलिंग्स होती है? नेक्स्ट इज मेक अस फील इन अ पर्टिकुलर वे। नेक्स्ट एंगर और जॉय। नेक्स्ट मीनिंग एंड पर्सनल सिग्निफिकेंस। नेक्स्ट वरी इन इंटेंसिटी एंड क्वालिटी। नेक्स्ट रूटेड इन मेंटल प्रोसेस। सो नेक्स्ट इज बॉडली अराउजल। बॉडली अराउजल के अंदर देखेंगे बायोलॉजिकल एक्टिवेशन, ऑटोनॉमिक एंड हार्मोनल सिस्टम्स, प्रिपेयर एंड एक्टिवेट एडेप्टिव कॉपिंग बिहेवियर ड्यूरिंग इमोशन। नेक्स्ट इज बॉडी प्रिपेयर्ड फॉर एक्शन। नेक्स्ट अलर्ट पोस्चर एंड क्लेंस्ड फिस्ट। ये किस में देखेंगे? बॉडली अराउजल में। थर्ड इज परपसिव कंपोनेंट। ये अपन कंपोनेंट की बात कर रहे हैं। इसके अंदर देखेंगे अपन गिव इमोशन इट्स गोल डायरेक्टेड फोर्स। नेक्स्ट मोटिवेशन टू टेक एक्शन। नेक्स्ट कोप विथ इमोशन कॉजिंग सरकमटेंस। नेक्स्ट व्हाई पीपल बेनिफिट फ्रॉम इमोशंस। नेक्स्ट सोशल एंड इनवॉल्यूंट्री एडवांटेज। नेक्स्ट फोर्थ कंपोनेंट है सोशल एक्सप्रेसिव कंपोनेंट। इसके अंदर देखेंगे फर्स्ट इज इमोशंस कम्युनिकेटिव एस्पेक्ट। नेक्स्ट पोस्चर्स, गेस्चर्स, वोकलाइजेशन, फेशियल एक्सप्रेशन मेक अवर इमोशन पब्लिक। नेक्स्ट वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन।
नेक्स्ट हेल्प अस इंटरप्रेट द सिचुएशन. नेक्स्ट हाउ पर्सन रिएक्ट्स टू इवेंट. एंड फेशियल एक्सप्रेशन कन्वे इमोशंस. कैटेगरी ऑफ इमोशंस. इमोशन की कितने कैटेगरी होती है? सो इमोशंस आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज. इमोशन को टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट इज प्राइमरी इमोशन. सेकेंड इज सेकेंडरी इमोशन. तो अपन प्राइमरी इमोशन के अंदर देखेंगे. आप प्राइमरी ह्यूमन इमोशन टाइप आर द वन ट्रिगर्ड इन रेस्पॉन्स टू एन इवेंट. प्राइमरी इमोशंस क्या क्या हैं? लव, जॉय, एंगर, सैडनेस, सरप्राइज, फियर. सेकेंडरी इमोशंस. सेकेंडरी इमोशन, इफ वी एक्सपीरियंस फियर द सेकेंडरी इमोशंस वुड बी फील थ्रेटन और फील एंगर डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन वी आर एक्सपीरियंसिंग. सेकेंडरी इमोशंस क्या क्या हैं? लाइक पैशन. नेक्स्ट इज ऑप्टिमिज्म. नेक्स्ट इरिटेशन. नेक्स्ट डिस्गस्ट. नेक्स्ट शेम. एंड नेक्स्ट नर्वसनेस. सो सेकेंडरी इमोशन क्या क्या है? पैशन, ऑप्टिमिज्म, इरिटेशन, डिस्गस्ट, शेम एंड नर्वसनेस. अब देखेंगे वैरायटी ऑफ इमोशंस. सो वैरायटी ऑफ इमोशन, पॉजिटिव ह्यूमन इमोशन एंड नेगेटिव ह्यूमन इमोशन. तो ये भी कितने टाइप्स के होते हैं? इसकी वैरायटी टू टाइप्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. पॉजिटिव ह्यूमन इमोशंस एंड नेगेटिव ह्यूमन इमोशन. पॉजिटिव इमोशंस के अंदर देखेंगे, पॉजिटिव इमोशंस दैट लीड वन टू फील गुड अबाउट वन सेल्फ विल लीड टू एन इमोशनली हैप्पी एंड सेटिस्फाइड रिजल्ट. सो पॉजिटिव इमोशंस में क्या होता है? इसमें क्या है, कोई संबंध है उसको, क्या फील अबाउट गुड, खुद के बारे में अच्छा फील होगा और उसे इमोशनली वो हैप्पी रहेगा. एंड वो हमेशा अपने रिजल्ट से सेटिस्फाई रहेगा. नेक्स्ट इज सम ऑफ द पॉजिटिव इमोशंस आर. पॉजिटिव इमोशंस क्या क्या हो सकते हैं? तो होपफुल, कॉन्फिडेंट, पीसफुल. एंड ये डायग्राम बना के बताया गया है. पॉजिटिव इमोशंस डिज़ायर, ग्रेटिट्यूड,
यूफोरिया जॉय, हैप्पीनेस, एम्पथी, होप एंड प्राइड, ये सब क्या है? पॉजिटिव इमोशंस। एंड नेक्स्ट इज नेगेटिव इमोशंस। सो अपन नेगेटिव इमोशंस के अंदर देखेंगे, नेगेटिव इमोशंस सेफ सेप यूअर एनर्जी एंड अंडरमाइन यूअर इफेक्टिवनेस। इन द नेगेटिव इमोशनल स्टेट यू फाइंड द लैक ऑफ डिजायर टू डू एनीथिंग। एंड नेगेटिव इमोशन के अंदर सम ऑफ द नेगेटिव इमोशंस आर सो एग्जॉस्टेड, पैनिक एंड ऑब्नोजियस एंड मतलब अनप्लीजेंट। एंड ये चित्र में कुछ बताया गया है, ये भी सारे नेगेटिव इमोशंस हैं। लाइक इससे क्या क्या आ सकता है? लाइक फ्रस्ट्रेशन, ये सारे नेगेटिव इमोशंस हैं। फ्रस्ट्रेशन, सैडनेस, शेम, फियर, ग्रीफ, गिल्ट, सैडनेस, डिप्रेशन, डिस्पेयर, एनवी, डाउट एंड जेलसी। अच्छा पढ़ लिया सभी ने? नेक्स्ट करो। थ्योरी ऑफ इमोशंस। सो थ्योरीज ऑफ इमोशंस, कैनन वार्ड थ्योरी ऑफ इमोशन। इट स्टेट्स दैट वी रिएक्ट टू अ स्टिमुलस एंड एक्सपीरियंस द एसोसिएटेड इमोशंस एट द सेम टाइम। नेक्स्ट, वी फील इमोशंस एंड एक्सपीरियंस फिजियोलॉजिकल रिएक्शन सच एज स्वेटिंग, ट्रेम्बलिंग एंड मसल्स टेंशन सिमुलटेनियसली। फॉर एग्जाम्पल, आई सी आई स्नैक, हमने एक सांप को देखा, आई एम अफ्रेड एंड आई बिगिन टू ट्रेम्बल एंड हमारा घबराना शुरू हो गया। नेक्स्ट इज फॉर इंस्टेंस, आई सी अ वियर, आई एम ट्रेम्बलिंग देयर फॉर आई एम अफ्रेड। सबसे पहले क्या हमने एक परसेप्ट किया किसी स्टिमुलस को एंड स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल चेंज, हमारा साइकोलॉजिकल चेंज हुआ। फिर हम इंटरप्रिटेशन ऑफ स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल चेंजेस एज द इमोशंस। फैक्टर अफेक्टिंग इमोशंस, इमोशंस को कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं? फर्स्ट इज पर्सनालिटी, सेकेंड इज कल्चर, नेक्स्ट इज वेदर, स्ट्रेस। जो स्ट्रेस है ना वो भी हमारे इमोशंस को बहुत अफेक्ट करता है। नेक्स्ट इज एज, नेक्स्ट इज जेंडर। जेंडर लाइक कंपैरिजन, मेल फीमेल ज़्यादा इमोशनली वीक होती है, सो ये भी एक फैक्टर है। इन्वायरमेंटल,
नेक्स्ट इज मैराइटल रिलेशन, ऑर्गेनाइजेशन, सोशल, ये हमारे क्या हो गए, सारे फैक्टर्स हो गए. क्या क्या फैक्टर्स हो गए? सोशल, जेंडर, एज, मैराइटल रिलेशन, ये सब हमारे फैक्टर हो गए. अब नेक्स्ट अपन देखेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस. सो इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर देखेंगे, इमोशनल इंटेलिजेंस रेफर्स टू द एबिलिटी टू परसीव, कंट्रोल एंड एवल्यूट इमोशंस. फोर ब्रांचेस, सेलोवे एंड मेयर प्रपोज्ड अ मॉडल दैट आइडेंटिफाइड फोर डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस. फर्स्ट इज परसीविंग इमोशंस. इसके अंदर देखेंगे, द फर्स्ट स्टेप इन अंडरस्टैंडिंग इमोशंस इज टू एक्यूरेटली परसीव देम. इन मैनी केसेस दिस माइट इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग नॉन वर्बल सिग्नल्स सच एज बॉडी लैंग्वेज एंड फेशियल एक्सप्रेशंस. सेकेंड इज रीजनिंग विद इमोशंस. द नेक्स्ट स्टेप इन्वॉल्व्स यूजिंग इमोशंस टू प्रमोट थिंकिंग एंड कॉग्निटिव एक्टिविटी. इमोशंस हेल्प प्रायोरिटाइज व्हाट वी पे अटेंशन एंड रिएक्ट टू. वी रेस्पॉन्ड इमोशनली टू थिंग्स दैट गार्नर अवर अटेंशन. नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग इमोशंस. इसके अंदर देखेंगे, द इमोशंस दैट वी परसीव कैन कैरी अ वाइड वेराइटी ऑफ मीनिंग्स. इफ समवन इज एक्सप्रेसिंग एंग्री इमोशंस द ऑब्जर्वर मस्ट इंटरप्रेट द कॉज ऑफ देयर एंगर एंड वॉट इट माइट मीन. फोर्थ इज मैनेजिंग इमोशंस. इसके अंदर देखेंगे, द एबिलिटी टू मैनेज इमोशंस इफेक्टिवली इज अ की पार्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस. रेगुलेटिंग इमोशंस, रिस्पोंडिंग एप्रोप्रिएटली एंड रिस्पोंडिंग टू द इमोशंस ऑफ अदर्स आर ऑल इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इमोशनल मैनेजमेंट. सो आज का हमारा टॉपिक ख़त्म होता है. थैंक यू.